फ्रेंड्स, हम अपने चैनल आल इज़ वन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं आलू की टिक्की। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को करने क्लिक, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए देखते हैं आलू की टिक्की बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आलू चाहिए हमें 750 ग्राम, जिन्हें हमने बॉयल कर लिया है। बॉयल करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, वरना टिक्की सही नहीं बनती। अंडे चाहिए 2 से 3 अदद, रेड कर्न्स 1 कप, सब्ज़ मिर्च 7 से 8 अदद बारीक चॉप की हुई, पुदीना 3 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ, सब्ज़ धनिया बारीक चॉप किया हुआ 3 टेबल स्पून, प्याज 1 अदद चॉप की हुई, कूटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक हसबे जायका या 1 टेबल स्पून, कूटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, आमचूर 1 टेबल स्पून, ऊपर तक भर के लेनी अच्छी तरह, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, कूटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। इसी तरह तमाम आलू को मैश कर लेना है। हमने तमाम आलू को मैश कर लिया है। हमने आलू बॉईल करने के बाद उसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे। सब्ज़ मिर्च, पुदीना चॉप किया हुआ, सब्ज़ धनिया चॉप किया हुआ, प्याज चॉप की हुई 1 अदद, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, आमचूर, पिसा हुआ गरम मसाला और कूटा हुआ धनिया, ब्रेड क्रम्स भी इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। बाकी हम बचा लेंगे तलने के लिए। अब इसे मिक्स करेंगे हाथ की मदद से अच्छी तरह। आप इसका मसाला चेक कर सकते हैं। अगर नमक या मिर्च कम लगे तो आप मज़ीद शामिल कर दें। तमाम मसाला अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाथ पे आग लगाएंगे थोड़ा सा, इसकी टिक्की बना लेंगे। इस साइज़ के हमने तमाम टिक्कियाँ बना देनी है। ऐसे हमने तमाम मिक्सचर तैयार कर ली हैं। अब हमने जो आपको अंडे बताए थे उसे अच्छी तरह बीट कर लेना है। अच्छी तरह बीट करने के बाद अब हम एक टिक्की लेंगे, इसे पहले अंडे में डीप करेंगे।
फ्रेंड्स, इसी तरह हम बाकी के भी तल लेंगे। हमारी आलू की टिक्की तैयार है, बहुत मज़ेदार बनी है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।